हाँ, माननीय मंत्री से बात हो जाएगी क्या? बोलिए, बोल रहा हूँ। हाँ मंत्री जी, मैं कागज और कलम लाओ जल्दी से पिंटू। हाँ बोले भैया। हाँ मंत्री, ग्राम सभा ले रूपपुर से आम नागरिक। हाँ पा लगी दोनों भैया। भैया प्रणाम, मैं 4 दिन से प्रयासरत हूँ आपसे बात करने के लिए। क्या करो, इतना 50 फोन हम किए मंत्री जी, इतना दुख हमें हुआ। 50 फोन मेरा एक जगह छूट गया था, आज सुबह मेरे पास आया। आपके पास, आपके तीनों नंबर पर हम नर्सों से फोन कर रहे हैं, पीएसओ को फोन। नहीं, ये नंबर यही नंबर पर उठाते हैं भैया, दूसरे नंबर। चलिए खैर, कोई बात नहीं, इसी में लगा। खैर कोई बात नहीं मंत्री जी, आज उठा लिए फोन, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताओ बताओ। लेरूपुर तिलमापुर आशापुर के कंडीशन की कुछ जानकारी है आपको? सब जानकारी है बाबू, कोरोना में बहुत लोग मर गए, सब जानकारी है। तो बताइए, एक दिन आप आए नहीं और ना कोई जो है। कोरोना में रोक लगी है बाबू, कैसे हम लोग आए? हम तो आज सैनिटाइजर करवाए हैं, नगर आयुक्त से बात करके मंगवा के जो है, तीनों गांव बड़के ट्रक मंगवा के। ने हमसे कहा था डीएम, तो हमने कहा कि कम से कम गांव में सैनिटाइजर तो करा दीजिए। भैया कुछ नहीं हुआ, आज हम नगर आयुक्त से गौरांग राठी जी कुछ परिचित है मेरे संबंधों में, बात करके मंगवा के बड़के ट्रक तीनों गाँव आज दोपहर में हम करवाए हैं। चलिए अच्छी बात है, आपने कराया। मंत्री जी ऐसा करिए, कृपया जो 1-1 करोड़ रुपया मद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोरोना है तो खर्च करने के लिए, तो कुछ आप, हम तो अपना पूरा विधानसभा आप देखिए, कम से कम लेरूपुर तिलमापुर आशापुर में सैनिटाइजर मास्क और गरीबों को साबुन जरा बटवा दीजिए, इतना करिए बस आप। इतना अगर कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कराते हैं। वैसे एक चीज आपको हम बता दें, जितने लोग ये फेसबुक पर लिख के डाल रहे हैं कि हम इतना दिए अपने निधि से, वो सब लोग फर्जी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि विधायक निधि जब भैया नहीं हम लोगों के पास, तो कहाँ से दे देंगे? अभी तो सस्पेंडेड चल रही है विधायक निधि। मैंने तो अखबार में पढ़ा, सीएम योगी ने बोला, बयान दिया कि नहीं बोल सकते। वो बोले भी होंगे तो उनसे भी गलती हुई होगी। अभी जब हमारी विधायक निधि हम लोगों की सस्पेंडेड है तो कहाँ से दे देंगे? अच्छा तो कुछ तो मद होगा आपके पास सैनिटाइजर के लिए और साबुन के लिए, वो हम लोग करा रहे हैं मास्क के लिए, तो कम से कम पूजा मंत्री जी इसको 1-2 दिन में जरा लेरूपुर तिलमापुर आशापुर करा दे, बाकी आप अपना विधानसभा देखें। तो कब तक हम उम्मीद रखें? अरे कराओ के भैया, अब टाइम टेबल कौन बताओगे? बवाल भाई साहब तो हाईकोर्ट ने लॉकडाउन कर दिया बनारस को। हाँ लॉकडाउन तो हो गया, तो उससे क्या मतलब है? लॉकडाउन से आप गांव भिजवा दीजिए, हम लोग भिजवा देंगे। रखबत तब ना, दूसरे जगह इंतजाम करो, रखबत। ठीक।